हेलो गाइस, वेलकम बैक शुभम व्लॉग्स। तो आज की वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले इस गाड़ी की, यानी कि ईको। ईको का एसी कामयाब है या फिर नहीं, बहुत से लोगों के मन में डाउट रहता है कि यार ये गाड़ी इतनी बड़ी है, इसमें एसी कामयाब है या नहीं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ईको में एसी कामयाब है या फिर नहीं, ठीक है। और शुरू से लास्ट तक देखना, क्योंकि आधी अधूरी बात भाई जानलेवा होती है, तो शुरू से लास्ट तक देखना। और ये भी बात करेंगे ये कितने पॉइंट पे कितना ठंडा करता है और कब से कब तक करता, मतलब कितने ब्लोअर में और कहाँ से कहाँ तक करता, मतलब आगे पीछे और पीछे तक, मतलब कितना ठंडा करता। तो आज की वीडियो में पूरी तरीके से मैं बताने वाला हूँ। उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा था यार, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो ना। और अगर इंस्टा आईडी फॉलो नहीं करी है जो कि शुभम व्लॉग्स 198 करके, तो यार उसको भी फॉलो कर लेना, और जल्दी से जल्दी आप सब लोगों को 4K करवाने, ठीक है। और एक चीज़ और, कमेंट्स बॉक्स में आप ये बताना कि आप मेरी वीडियो कितने टाइम से देख रहे हो, कितने समय से देख रहे हो और कहाँ से देख रहे हो, तो ये जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताना। तो चलते बिना कोई देरी करने के लिए, तब तक के लिए लेट्स गो। तो सबसे पहले, जैसे कि आप सब लोगों को पता है, जो ये गाड़ी है ईको है, उसका जो सिलेंडर है ये 4 सिलेंडर में आती है और 1196 cc, यानी कि 1200 cc में, ऑलमोस्ट 1200 cc का इसका इंजन है, जो कि छोटा इंजन नहीं है, काफ़ी बड़ा इंजन है, मतलब 1200 cc यार कम नहीं होता, ठीक है। और उस हिसाब से जो गाड़ी का जो इंजन है ना, तो वो इंजन इसके सीट के नीचे है, ये देखो इसके नीचे इसका इंजन है। और ऐसा भी नहीं है, जब इस गाड़ी में जब एसी चलाते हैं ना, जब गर्मी में बिल्कुल गर्मी होती है, तब जब इसमें एसी चलाते हैं और इसकी जो सीट के नीचे इंजन है, इसके बावजूद भी इस गाड़ी का जो टेम्परेचर रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन जब इस गाड़ी में एसी चलता है ना, तो ये गाड़ी बिल्कुल ठंडी हो जाती है, मतलब बढ़िया हो जाती है। इतना भी नहीं है, अगर ये हो सकता है कि अगर आपका जैसे 47 डिग्री या फिर 48 डिग्री इतना टेम्परेचर अगर रहता है दिन के टाइम, तो ऐसा लग सकता है कि आपको थोड़ी बहुत, मतलब पसीना नहीं आएगा, लेकिन ऐसे में ये जरूर लगेगा कि हाँ थोड़ी बहुत गर्मी महसूस होगी। लेकिन इतना भी नहीं है कि आपको बिल्कुल ही मतलब बेकार हो, ऐसा एसी नहीं है इसका। एसी काफ़ी पावरफुल है और बढ़िया एसी है, और ऐसा भी नहीं है, मैं कम से कम जो मेरे पुराने जो व्यूअर है, वो पहले से ही अगर वीडियो देख रहे होंगे, तो कम से कम 3-4 साल से तो मुझे ही हो गया इसको गाड़ी को चलाते चलाते। तो यार अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इस गाड़ी का जो एसी है वो काफ़ी बढ़िया है। बस ये है कि जैसे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, तो यार 47 डिग्री या फिर 48 डिग्री या 45 डिग्री तक ठीक है, तो ऐसे में इतना लगेगा, मतलब जो पीछे वाले जो बंदे बैठे हैं यहाँ पे पीछे वाले, इतने तक बंदे आराम से ठंडा हो जाता, मतलब अगर मैं 3 पॉइंट पे चलाता हूँ एसी, क्योंकि इसमें 3 पॉइंट ही होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो इसमें थर्ड पॉइंट 3 पॉइंट होता है, तो 3 पॉइंट तक अगर आप कर लेते तो पूरी में मतलब हवा पहुंच जाती है। बस ये कि जो डिक्की वाला है तो उधर नहीं पहुंचती, क्योंकि यार काफ़ी लंबी पड़ जाती है, बट 1, 2 और ये 5 तक मतलब बढ़िया ठंडे हो जाते हैं, अच्छा हो जाता है, मतलब आप भले ही इंजन इसके नीचे है, लेकिन यार फिर भी बहुत बढ़िया एसी है। कि अगर आप उन सुबह सुबह कहीं लंबे रूट पे जा रहे हैं, तो ऐसे में कम से कम 1 पॉइंट, मतलब ये देखो, ये पॉइंट दिखाता हूँ मैं आपको, तो ये पॉइंट होता है, ये देखो ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकेंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, और ये एसी होना है, ठीक है। तो आपको क्या वो करना होता है, जैसे गर्मी कभी भी होती है ना, तो गर्मी में सबसे पहले आपको है ना ऑन क्या कर लेना होता है, जैसे बहुत इस गाड़ी में जो इसका इंजन है इसके नीचे, तो आपकी गाड़ी पूरी भपका मारती है, मतलब गर्म सी हो जाती है। तो गर्म में आपको सबसे पहले क्या करना होता है गर्मी में, कि जो इधर की जो एयर है ना, ये वाली यहाँ पे नीचे जो एयर होती है, तो उसको बाहर निकालना होता है। उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सारे विंडो खोलने होते हैं, मतलब ये वाला और ये वाला, ये दोनों आप खोल के, तो इसको है ना फुल पे एसी पे करके, जैसे ये एसी पे हो गया ऑन, ठीक है। एसी पे होने के बाद, क्योंकि अभी तो मैंने गाड़ी बंद कर रखी है, लेकिन एक एग्जांपल बता रहा हूँ, शीशा खोलने के बाद आपको ये फुल कर देना है, और इसको है ना पैर की तरफ कर देना, ये देखो ये ऐसे पैर की तरफ, क्योंकि जितनी भी गर्माश होगी ना, वो आपकी पूरी बाहर निकल जाएगी। फिर आप जब आपकी गाड़ी, जब आपको लगे कि दो मिनट बाद कि आपकी गाड़ी जब ठंडी होने लग रही है, तब उसके बाद आप अपने शीशे भी चढ़ा सकते हो, तो काफ़ी बढ़िया। मतलब ईको का भले ही ईको काफ़ी लंबी हो वो, बट इसका एसी जो है कामयाब है, अच्छा है। ऐसा नहीं है कि इस गाड़ी का एसी ना कामयाब हो, कामयाब है। बट लंबे रूट पे अगर हम जाएं, कहीं भी जाते हैं लंबे रूट, जैसे राजस्थान, बीकानेर, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली से लेके ऐसी जगह पे जाएं और
नई गाड़ी होती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी जैसी जो गाड़ी होती है तो उसमें शायद हो सकता है कि दिक्कत आ जाए, क्योंकि नई तो एक बार को झेल जाती है बट पुरानी नहीं झेल पाती। तो मैंने भी एक दो बार, मेरा जब रूट लगा है तब मैंने इसको कंटिन्यू लेके गया हूँ, तो ऐसे गाड़ी को उस टाइम रेस्ट नहीं दिया था बिल्कुल भी। तो ये, और देखो इसका जो टेम्परेचर होता है, जैसे आपको मान लो कि आप सुबह लेके जा रहे हो, गर्मी का टाइम है, और मान लो जैसे धूप 7 बजे के करीब बहुत तेज हो जाती है, तो अगर आपको अच्छी से अच्छी कूलिंग चाहिए तो आपको सबसे पहले इको में करना क्या है कि इको में आने के बाद आपको ना इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, ये देखो ये वाला फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों पॉइंट है। तो अगर आप इस पे करोगे, अगर मान लो आप, अगर आप जा रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे चला रहा हूँ, मेरे साथ एक और भाई है, ठीक है, तो हम दोनों अच्छी तरीके से, मतलब पहले पॉइंट पे बहुत अच्छी कूलिंग करेगी, यानी कि बहुत बढ़िया करेगी, ठीक है। और अगर आपको मान लो अगर पीछे दो और बैठे हैं तो आप चाहो तो इसमें दो पॉइंट कर सकते हो, और अगर और भी अगर आपको जैसे बंदे बैठे हैं तो उनको भी आप बैठा के 3 पॉइंट कर सकते हो। और मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि जैसे कि आपने देखे होंगे 200-300 रुपए के जो पंखे आते हैं जो साइड में लग जाते हैं, यहाँ पे ये देखो इधर भी लग सकते हैं, उधर भी लग सकते हैं, और यहाँ बीच में भी ब्लोअर लग पाते हैं, तो वो बढ़िया लगवा लो। अगर उससे उससे लगवा लेते तो काफ़ी बढ़िया रहता है। 5 लोग बैठे हैं तो इतना है कि बस थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है कि एसी पे आप जब गाड़ी चलाओगे तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, बट इतना फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत ही पड़ता है। जैसे मान लो 19 से लेके 21 का फर्क होता, बस इससे ज्यादा नहीं होता। तो मिलते हैं नए टाइटल और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन बाय।